डिसयूरिया यानी डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन यानी पेशाब पास करने में दिक्कत, यह एक ऐसी समस्या है जो आज के समय में बहुत लोगों को परेशान कर रही है। कोई ना कोई किसी कारण से व्यक्ति इस समस्या से परेशान है। आज हम बताएंगे इसी स्थिति को कंट्रोल मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे डिसयूरिया के विषय में। डिसयूरिया यानी कि पेशाब के पास होने में दिक्कत, यह एक साथियों ऐसी समस्या है जो मरीज को बहुत परेशान कर देती, क्योंकि पेशाब ही जब पास नहीं होगी तो उससे तमाम तरह की शंकाएँ पैदा होंगी, तमाम तरह के दर्द पैदा होंगे, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन शरीर में पैदा होंगे। आज हम साथियों बताएंगे डिसयूरिया को कंट्रोल मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएँ। दवाएँ साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे न लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते डिसयूरिया को कंट्रोल मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। नंबर एक दवा साथियों जो डिसयूरिया यानी डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन यानी पेशाब का दिक्कत से होना, पेशाब परेशानी से पास होने की आती है होम्योपैथी में, वह है कैंथेरिस वेसिकुलर। कैंथेरिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार, उस स्थिति में डिसयूरिया यानी डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन के पेशेंट को दी जा सकती है, जब उनको यूरिन बहुत मुश्किल से एक एक बूंद करके पास हो रही हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप पास हो रही हो। वैसी स्थिति में कैंथेरिस डिसयूरिया को ठीक कर, इन्फेक्शन को ठीक कर मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेथ्रा हो जाता है, सिस्टाइटिस हो जाता है, यूरिन पास करने की अर्ज तो हो रही है लेकिन यूरिन पास नहीं हो रही है। तो अगर वैसी स्थिति हो साथियों, खास तौर से महिलाओं में, तो इस स्थिति को कंट्रोल करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा आती है कोपाइवा। कोपाइवा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है, उस स्थिति में जब यूरिन पास करने की अर्ज तो हो रही हो लेकिन यूरिन पास ना हो रही हो। महिलाओं में यह बहुत कॉमन स्थिति होती है, इसको सिस्टाइटिस भी कहते हैं। एक स्थिति होती है साथियों हिस्टेरिकल कंडीशन, किसी की मानसिक कंडीशन हिस्टेरिकल हो और इनको यूरिन ना पास हो रही हो या डिफ़िकल्टी हो रही हो यूरिन पास करने में, तो वैसी स्थिति की बहुत अच्छी दवा है इग्निशिया अमारा। इग्निशिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हिस्टीरिया के केस में दी जा सकती है, जब मरीज की मानसिक स्थिति स्टेबल ना हो और उनको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही हो, यह दवा इसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों हो रही हो कि यूरिन कम हो रही हो और जो हो रही हो वह जलन के साथ हो रही हो और चेहरे में सूजन हो, तो यदि साथियों ऐसी स्थिति हो और डिसयूरिया हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है एपिस मेलिफिका। एपिस मेल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है, जब मरीज को डिसयूरिया हो, उनको पेशाब पास करने में दिक्कत हो रही हो, बहुत थोड़ी हो रही हो और उनके शरीर पे सूजन आ गई हो, यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों डिसयूरिया यानी डिफिकल्ट मिक्चुरेशन की होती है यूरिन पास करने की, कि यूरिन बढ़िया नॉर्मल पास हो रही हो और अचानक स्पाज्म आए जा रहे हों और यूरिन रुकी जा रही हो, तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है क्लिमेटिस इरेक्टा। क्लिमेटिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है, जब स्पाज्म आ रहे हो यूरेथ्रा में, यूरिन पास होते होते रुकी जा रही हो, नॉर्मल पास हो रही हो फिर रुक जा रही हो, वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों डिफिकल्ट यूरिनेशन में डिसयूरिया में, कि यूरिन पास होते होते रुक जा रही हो और फिर थोड़े देर बाद फिर पास हो रही हो, तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है कोनियम मैक्युलेटम। कोनियम मैक 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर ऐसी स्थिति में दी जा सकती हैं, यह दवा मरीज को लाभ देंगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को पेशाब बहुत दिक्कत से हो रही हो और जब मरीज एब्डोमिनल मसल्स को प्रेस करता हो, दबाता हो, तो उनके यूरिन पास होती हो,
तो अगर डिस यूरिया यानी डिफिकल्ट यूरिनेशन की यह स्थिति है तो उसको कंट्रोल मैनेज और क्योर करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में मैग्नीशिया म्यूर, मैग्नीशिया म्यूराटिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है जिनको यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी हो और एब्डोमिनल मसल्स को प्रेस करने पर उनको यूरिन पास होती हो, यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है डिफ़िकल्ट यूरिनेशन की कि मरीज को बहुत दर्द के साथ यूरिन होती है और बैठ के तो वह यूरिन ना पास कर पाता, उन्हें खड़े होकर यूरिन पास करनी पड़ती हो, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है सरसापेरिला। सरसापेरिला 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है, यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों डिफ़िकल्ट यूरिनेशन की आती है कि मरीज को अपने ऑर्गेंस को बहुत देर तक प्रेस करना पड़ता हो तब यूरिन होती हो और बाद में यूरिन फिर रिट्रैक्ट कर जाती हो होते होते, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है प्रूनस स्पाइनोजा। प्रूनस स्पाइनोजा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है, यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों डिफ़िकल्ट यूरिनेशन की आती है कि यूरिन बहुत धीरे धीरे पास होती हो और बहुत देर उससे पहले वेट करना पड़ता हो और जब यूरिन पास हो जाती हो तो लगता है भी यूरिन पूरी पास नहीं हुई। अगर डिफ़िकल्ट यूरिनेशन की यह स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है हिपरसल्फर। हिपरसल्फ 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है, यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों डिफ़िकल्ट यूरिनेशन की आती है कि यदि कोई और खड़ा है कोई पब्लिक प्लेस है तो उस पर मरीज यूरिन नहीं पास कर पाता, यूरिन बहुत तेज़ लग रही हो लेकिन वह पास नहीं कर पाता, तो अगर ऐसी स्थिति हो कि पब्लिक प्लेस पर या दूसरों की प्रेजेंस में यूरिन नहीं पास कर पाता है तो वैसे डिफ़िकल्ट यूरिनेशन को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है नेट्रम म्यूराटिकम। नेट्रम्यूर 1 mg की तीन खुराक 55 मिनट के फासले पर ऐसे मरीज को दी जा सकती हैं, यह दवा ऐसे मरीजों को ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों डिफ़िकल्ट यूरिनेशन की आती है कि मरीज को यूरिन पास करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता हो, टिनिसमस हो, तो अगर यह स्थिति हो कि यूरिन पास करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता हो, स्ट्रेन करना पड़ता हो मसल्स को, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है, यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि बैठ के ही यूरिन पास होती हो, अगर ऐसी स्थिति हो डिफ़िकल्ट यूरिनेशन की कि बैठ के ही यूरिन पास होती हो तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है परेरा। परेरा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है जब मरीज को बैठना पड़ता हो और अपने दोनों हाथों को भी आगे करना पड़ता हो तब यूरिन पास होती हो, यानी ऑल फोर लिम्ब्स जब इन्वॉल्व हो तब यूरिन पास हो, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा परेरा ब्रावा है 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार यह दवा ली जा सकती है। एक स्थिति साथियों आती है बच्चों में कि यूरिन पास करने के दौरान बच्चे चिल्लाते हों स्क्रीम करते हों और बिल्कुल आग की तरह लाइक फायर यूरिन गर्म पास होती हो, तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है बोरेक्स। बोरेक्स 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार दी जा सकती है ऐसी स्थिति में, यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों डिफ़िकल्ट यूरिनेशन की आती है कि बहुत धीरे धीरे बहुत देर बैठने पर यूरिन पास होती है और साथ में स्टूल भी निकल जाता हो मोशन भी हो जाता हो, तो अगर पॉटी के साथ यूरिन भी पास हो रही है तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एल्यूमिना। एल्यूमिना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार दी जा सकती है, यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी डिस यूरिया यानी डिफ़िकल्ट यूरिनेशन के विषय में। दवाएं साथियों कारगर हैं लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा इस वीडियो पे आपकी राय का क्योंकि ये समस्या बहुत कॉमन है, आप इस वीडियो पे अपनी राय लिख के हमारा मार्गदर्शन अवश्य करिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्रेम हम पे यूँ ही बनाए रखिए। आपका साथी हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।